फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस चैनल में अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं सृष्टि। दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं करेले के भरवे। और इसके लिए मैंने लिया है कुछ 10-12 करेले। इनको मैंने अच्छे से धुल के साफ कर लिया है। दोस्तों, इन करेले को अच्छी तरीके से धुलने के बाद मैंने इनको कुछ इस तरीके से रख दिया है जिससे कि ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाए, पूरी तरीके से इन्हें सूख जाना है। आगे के प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको करेले को भरने के लिए मसाला तैयार करना है, तो हम लोग मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 बड़ी अमियां को मैंने छील के काट लिया है। साथ ही हम 3 बड़े साइज के प्याज मैंने छील के काट लिया है। और हम लोगों ने लिया है लहसुन की कुछ कलियां। हम लोग इसको अमियां को ब्लेंडर में डाला, साथ ही हम लोग प्याज को जो कि चॉप करके रखा है इसको डाला, और लहसुन की भी कलियां मैंने इसमें डाल दिया। दोस्तों, हमारा मसाला पिस चुका है। दोस्तों, अब हम लोग इसमें डालेंगे रोस्टेड जीरा पाउडर जो कि 1 चम्मच है, थोड़ा सा और। अब हम लोग इसमें डाल रहे हैं सब्जी मसाला जो कि होममेड सब्जी मसाला है। इसके जगह आप मार्केट का भी कोई भी सब्जी मसाला यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो सब्जी मसाला है ये होममेड सब्जी मसाला है। नमक जो कि स्वादानुसार है, साथ ही हम लोग डालेंगे इसमें काला नमक, और इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, अब हम लोग करेले को किस तरीके से काटना है ये सीखेंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं करेले को किस तरीके से काटा जा, नाइफ की हेल्प से काटा जा रहा है। तो चाकू की हेल्प से आपको ये वर्टिकल यानी कि सीधाई में, लंबाई में इसको आपको एक चीरा लगाना है। और फिर चम्मच की हेल्प से, स्पून के बैक से यानी कि चम्मच के बैक साइड से आपको ये बहुत ही सावधानी से, जिससे कि आपका करेला फटे नहीं, अंदर के बीज को निकाल दीजिए। दोस्तों, ये काम आपको बहुत सावधानी से करना है, आपका करेला नहीं फटना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका करेला फ्रेश है यानी कि अगर आप ताजा करेला मार्केट से ले आए हैं उसी दिन बना रहे हैं तो ये बहुत ही इजीली निकल जाता है। बट अगर आपका करेला 1-2 दिन पुराना हो चुका है तो इसको निकालने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बट ये आप चम्मच के बैग से निकालेंगे तो आप देख सकते हैं ये खाली हो चुका है, तो आपके मसाले की सफिशियंट क्वांटिटी इसमें घुस सकेगी। सिमिलरली हम लोग एक और करेले को इसी तरीके से काटेंगे। वर्टिकल आपको चीरा लगाना है, चम्मच के बैक से अंदर के बीज को खाली कर लेना है। आप इसे अपने हाथ से, नाखून से निकालने की कोशिश ना करें, ये बहुत ही टाइट होता है, ये आपके नाखून को डैमेज कर सकता है या आपके हाथों उंगलियों को डैमेज कर सकता है। इसीलिए बहुत ही सावधानी से चम्मच की बैग से ही निकालें इसे, और बैग से निकालने में करेले भी नहीं फटते हैं।
दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो आप देख सकते हैं करेला अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है, और इसी तरीके से मैंने कई करेले को अंदर से खोखला करके रख लिया है। और अब हम इसमें मसाले की फिलिंग की प्रोसेस शुरू करेंगे। तो मसाला जो कि मिक्स करके बिल्कुल रेडी है। दोस्तों, मसाले की भी फिलिंग के पहले हमें गैस को ऑन करना है, और उस पर एक कढ़ाही मैंने चढ़ाया। कढ़ाही की जगह आप पैन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे करेले की स्टफिंग होगी उससे पहले, उसके साथ ही हमारे ये ऑयल तैयार हो जाना चाहिए। तो इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, क्योंकि ऑयल को हमें अच्छे से गर्म करना है। तो जब तक ये गर्म होगा तब तक हम करेले की स्टफिंग करेंगे, और इसको अब हम करेले की स्टफिंग शुरू करेंगे। तो करेले को आप देख सकते हैं किस तरीके से फैला लिया है, और इसको अपने हाथ की हेल्प से, इसके अंदर उंगलियों की हेल्प से इसके अंदर मसाले को फिल करेंगे। दोस्तों, करेले का ध्यान रखें कि ये फटने ना पाए। इस तरीके से करेले का भरवा बना के आप इसे खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। और जो लोग करेला नहीं पसंद करते हैं, जो लोग जिनको करेला कड़वा लगता है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा उपाय है कि आपका करेला आपकी आपके शरीर में इंटेक होगा इसका, तो आपको करेले के फायदे भी मिलेंगे, हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से करेला भरा जा रहा है। करेले का पहले जहां से कटिंग है वहां से खोला, उसके अंदर करेले की स्टफिंग की, आराम से एक एक उंगली की हेल्प से करेंगे कि आपके मसाले बाहर ना रहे, अंदर अच्छे से फिल हो जाएं। और इसके बाद इसके मुंह को आप दबा देंगे, एक्सेस जो मसाला इसके ऊपर बचा ये बिल्कुल इस तरीके से रेडी है। तो हमारे करेले इस तरीके से फिल किए जाएंगे। दोस्तों, हमारा तेल गरम हो रहा है और इसे मैंने थोड़ा मीडियम फ्लेम पे कर दिया है। दोस्तों, इन करेलियों में याद रखें कि ये जो डंडी लगी है, ये जो इनकी इन्हें आपको काटना नहीं है। ये करेले भरवे इसी तरीके से मजा देते हैं। हमारा तेल बिल्कुल हॉट है, तो अब हम इसमें प्लेस करेंगे इन करेलों को। दोस्तों, फ्लेम हमारी मीडियम रहेगी। दोस्तों, आधा चम्मच नमक लिया है, और इसको ऊपर से हम लोग स्प्रिंकल करेंगे ताकि आपके करेले ऊपर से भी टेस्टी लगे। और अब हम लोग इसको ढक देंगे।
इसको कुछ इस तरीके से रखें कि ऑयल में इसका मसाला ना फैलने पाए। मसाले का वाला पोर्शन जो है, कटिंग जो है आपकी, ये ऊपर के डायरेक्शन में रहे। सभी करेले को बीच में एक बार घुमा जरूर दें, जिससे कि आपके करेले चारों डायरेक्शन से पके हुए पक जाएं। बट इनकी कटिंग का पोर्शन आपको ऊपर रखना है, अदरवाइज तेल में मसाला फैल जाएगा। दोस्तों अब हमारे करेले के भरते बिल्कुल रेडी हैं, तो अब हम इसे ये बाहर से बिल्कुल क्रिस्प हो जाते हैं और अंदर इनके मसाले बिल्कुल पक्के पक्के हुए हो जाते हैं। ये भरवे बहुत ही टेस्टी लगते हैं, इनका आनंद आप जरूर लें। दोस्तों हमारे भरवे बिल्कुल रेडी है, नाउ इट इज रेडी टू बी सर्व्ड। और आप इसे पराठे के साथ, आप इसे रोटी के साथ, आप इसे दाल चावल के साथ एंजॉय करें। और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और थोड़ी सी भी अगर पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। बाय बाय टिल माई नेक्स्ट वीडियो कम्स।